साथियों, कोल सेक्टर से जुड़े ये रिफॉर्म्स ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को, विशेषकर हमारी ट्राइबल बेल्ट को डेवलपमेंट का पिलर बनाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहां जहां कोयला है, जहां मिनरल्स है, देश का वो हिस्सा प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के मामले में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। देश का ये वो हिस्सा रहा है जहां बड़ी संख्या में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, वो जिले जहां के लोग विकास के लिए एस्पायर कर रहे हैं, लालायित है, कर गुजरने का इरादा रखते हैं, सामर्थ्य है, शक्ति है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन यही जिले विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, देश में 16 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन इनका लाभ वहां के लोगों को उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वहां के गरीबों का जितना भला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहां से बड़ी संख्या में हमारे साथी दूर दूर अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर के, अपने खेत खलिहान को छोड़कर के, अपने यार दोस्तों को छोड़कर के बड़े शहरों में रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन करते हैं। ऐसी अनेक समस्याओं को कम करने और पूर्वी भारत और मध्य भारत की एक बड़ी आबादी को उसके घर के पास ही बेहतर रोजगार के अवसर देने में कॉमर्शियल माइनिंग तरफ हम जो कदम उठा रहे हैं वे एक इच्छित परिणाम लाएंगे। और जब मैं इच्छित परिणाम की बात करता हूं, मुझे इन क्षेत्रों का विकास करना है, हमें वहां के गरीबों का भला करना है, हमें पहले उस इलाके को आत्मनिर्भर बनाना है, बना के हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, हर गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है। आज जिन कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है, इनसे ही इस क्षेत्र में लाखों जॉब पैदा होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, कोयला निकालने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक को बेहतर बनाने के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उससे भी रोजगार के अवसर बनेंगे, वहां रहने वालों को अधिक सुविधाएं मिलेगी। अभी हाल ही में सरकार ने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय किया है। साथियों, कोल सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म, इस सेक्टर में हो रहा निवेश लोगों के जीवन को, विशेषकर हमारे गरीब और आदिवासी भाई बहनों के जीवन को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कोल प्रोडक्शन में अनकोल प्रोडक्शन से राज्यों को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, उसका इस्तेमाल वहां की जन कल्याण योजनाओं में होगा, उस राज्य के विकास में होगा। इसके साथ ही राज्यों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड,
उससे भी बहुत मदद मिलने वाली है और ये मदद जारी रहेगी। इस फंड का बड़ा हिस्सा कोल माइनिंग के आसपास के इलाकों में जरूरी सुविधाओं के विकास में लगाया जा रहा है। वहां के लोगों की जिंदगी, ईज ऑफ लिविंग, उनको जीने के लिए जूझना न पड़े, उन्हें सरकारों के साथ जद्दोजहद न करना पड़े, वो आत्मसम्मान से जिए, वो आत्मनिर्भर होकर के जिए। यानी जहां संपदा है वहां रहने वालों में संपन्नता भी हो, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उठाए जा रहे ये कदम इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मददगार सिद्ध होंगे।